हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टॉक मार्केट MSM एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक मोनोपोली स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बेवरेजेस इंडस्ट्री से आता है। बेवरेज इंडस्ट्री जो हमारी होती है, जो कि हमारी नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की इंडस्ट्री होती है उससे होती है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका ये त्यौहार आपके परिवार वालों के साथ, आपके दोस्तों के साथ बहुत ही बढ़िया तरह से बीता होगा। तो वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पस के लिए है। MSM इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस अकर्स टू यू। फ्रेंड्स, ये कुछ चार पांच स्टॉक्स हैं जिनको देख के हमें क्या समझ में आता है। IRCTC हो गया, नेस्ले, पिडिलाइट, ITC, IEX, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन सारे स्टॉक्स की एक बहुत खासियत है, ये स्टॉक दिग्गज स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट के, बट इनकी एक बहुत ही यूनिक प्रपोजिशन है, एक यूनिक वैल्यू है। और वो क्या है, ये सारे मोनोपोली स्टॉक्स हैं। मोनोपोली स्टॉक्स वो होते हैं जो अपनी फील्ड में उनका बिजनेस इकलौता बिजनेस होता है या उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम बात करें IRCTC का तो मोनोपोली स्टॉक है, 100% इसका शेयर है मार्केट में। नेस्ले हो गया, बेबी फूड्स को लेके नेस्ले का लगभग 80-85% मार्केट शेयर है। एस ए पी डिलाइट हो गया हमारा, फेविकोल, घर घर में फेविकोल जानते हैं। मुझे नहीं याद आता कि फेविकोल के अलावा हमने कोई और प्रोडक्ट सुना होगा। सीक्रेट के लिए हम बात करेंगे तो ITC, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ये सिर्फ कुछ स्टॉक्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं। और मोनोपोली स्टॉक्स की खासियत ही होती है कि उनके कॉम्पिटिटर नहीं होते और उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही आज हम एक मोनोपोली स्टॉक देखेंगे। वो स्टॉक कौन सा है, हम स्टॉक के बारे में आगे जानेंगे वो स्टॉक कौन सा है। बट अब ये इंडिया का मैप देख सकते हैं, इंडिया के मैप में जितना भी ब्लू पार्ट है वो इंडिया सब टेरिटरीज में उस कंपनी की प्रेजेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ये कुछ छूटता है। मे बी थोड़ा लद्दाख, जम्मू कश्मीर का एरिया है और आंध्र प्रदेश का एरिया में आपको ब्लू नहीं दिखता। बट अगर आप देखेंगे तो नेपाल, श्रीलंका, इंडिया का एंटायर रीजन एक कंपनी की प्रेजेंस है वहां पे, यानी कि इंडिया सब टेरिटरीज में। और अदर जो आपको ऑरेंज या रेड ऑरेंज कलर से दिख रहा है वो फ्रेंचाइजी ड्रिवन बिजनेस है। एंड देन ग्रीन से जो इंटरनेशनल टेरिटरी नेपाल, श्रीलंका में है इसका बिजनेस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंपनी की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली इंडिया में। थोड़ा सा सेल्स और प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे कि वो कंपनी के सेल्स कैसे हैं। ये पिछले 5 साल का ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट का डेटा है। तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स बढ़ती रही है। कुछ 2020 जनवरी 2020 में जो कि कोविड ईयर था उसमें इनकी सेल्स कम हुई है एंड प्रॉफिट भी कम हुआ है। बट अगेन हम देख सकते हैं कि अब वो अपने प्री कोविड लेवल सेल्स तो ऑलमोस्ट यहाँ से 1000 करोड़ की बढ़ गई है। एंड देन उसका जो प्रॉफिट है जो कि ग्रीन में, ग्रीन बार से है, देख सकते हैं वो प्री कोविड लेवल को भी ब्रीच कर चुका है। तो आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले क्वार्टर्स में इनकी सेल्स ग्रो करेगी और प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग 65% है, जो कि पिछले 2 सालों में बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। किसी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बताती है कि उस कंपनी के मालिक या उस कंपनी के जो ओनर्स हैं वो उस कंपनी में कितना विश्वास रख रहे हैं, कितना बिलीव कर रहे हैं, उसके बिजनेस को कितने अच्छे तरह से समझ रहे हैं और वो उनका विजन कैसा है, जो बताता है प्रमोटर्स होल्डिंग के थ्रू। हम रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर पता करना है कि कंपनी के मालिक उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं तो हम प्रमोटर्स होल्डिंग के थ्रू देख सकते हैं। अब उस कंपनी में क्या ग्रोथ है, उस कंपनी का फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है, उसके लिए एक और पैरामीटर है FIIs होल्डिंग। FIIs होल्डिंग का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, यानी कि जो बड़े बड़े फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं आउटसाइड इंडिया वो उस कंपनी में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उनके होल्डिंग कितने परसेंट है। तो देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छी परसेंटेज है, 10% भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे 20-22% के करीब FIIs की होल्डिंग है।
तो बहुत ही अच्छी प्रमोटर्स होल्डिंग और बहुत ही अच्छी एफआईएस होल्डिंग है, जो कि बताती है कि कंपनी के फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग्स हैं, जो कि हमने इसके सेल्स और प्रॉफिट में भी देखा 5 साल के, एंड कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में भी बताती है। ये इसका कंपनी का एक चार्ट निकाला है मैंने, जो कि आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अब तक लगभग लगभग 350% का रिटर्न दिया है पिछले जब से ये लिस्ट हुई है। ये कंपनी एक्चुअली लिस्ट हुई है 2016 में ही लिस्ट हुई है, और अभी उसने तब से लेके अब तक इसने लगभग 350% का रिटर्न दे दिया, यानी कि आपका जो पैसा है उसको 3 गुना 3.5 गुना कर दिया है। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है इसने इस 5 सालों में, यानी कि इसका जो 5 ईयर्स का CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न रेट जो है इसका 40%, विच इज वेरी गुड। कंपनी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है या सेल करती है। तो इसका प्रोडक्ट है जैसा कि देख सकते हैं पेप्सी के अदर प्रोडक्ट माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, सेवन अप, ट्रॉपिकाना जूस, इनका लिप्टन आइस टी, माउंटेन ड्यू आइस, निम्बूज, ऑल दी बेवरेजेस प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, ये कंपनी सेल करती है, ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये सारे पेप्सी के प्रोडक्ट हैं, तो क्या ये कंपनी पेप्सिको है? नहीं, ये कंपनी पेप्सिको बिल्कुल नहीं है। पेप्सिको इंडिया में लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो ये कंपनी हो ही नहीं सकती पेप्सिको। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट तो पेप्सी के ही हैं, यानी पेप्सिको के ही सारे प्रोडक्ट हैं। तो देखते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कंपनी आरजे ग्रुप का पार्ट है। आरजे ग्रुप एक फ्रेंचाइजी है जिसके अंदर में पिज्जा हट, KFC, क्रीम बेल, कोस्टा कॉफी आता है, यानी कि QSR सेगमेंट में आरजे ग्रुप बहुत ही बढ़िया ग्रुप है और ये कंपनी उस आरजे ग्रुप का पार्ट है। इस कंपनी के ऑपरेशन 6 कंट्रीज में है, जो हमने देखा 3 इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, जो कि इसका 85% ऑफ टोटल रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड 3 अदर कंट्रीज हैं जो अफ्रीका की है, मोरक्को, जैम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जो कि इसका 15% ऑफ रेवेन्यू में पार्टिसिपेट करते हैं। इस कंपनी का पेप्सिको के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन हम देख सकते हैं कैसे है कि कंपनी 2019 में एक्विजिशन करती है US के बाहर कंपनी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है पेप्सिको प्रोडक्ट्स का, वो इस कंपनी के थ्रू ही होता है। आप देख सकते हैं कंपनी 7 स्टेट 5 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में है, एंड देन इस कंपनी का लाइसेंस 2019 में पेप्सिको के साथ रिन्यू हुआ था, जो कि 2022 तक वैलिड था, जो कि अब बढ़ा के अप्रैल 2039 तक, यानी कि यहां से 17 साल आगे तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया गया है। ये कंपनी अगले 17 साल तक पेप्सिको के लिए काम करेगी, पेप्सिको के लिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगी। तो अभी तक ये सारा जो हमने डेटा देखा है, वो सारा देखने के बाद यही सवाल सबके मन में उठ रहा होगा कि अरे भाई ये कंपनी है कौन सी। तो चलिए इस सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि वो कंपनी कौन सी है। तो सीधे उसके लिए कंपनी के वेबसाइट पे चलते हैं। तो हम कंपनी के वेबसाइट पे आ गए हैं। हम देख सकते हैं कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। ये वरुण बेवरेजेस पेप्सिको का एक सब्सिडरी है, जहां पे ये इंडिया में कंपनी पेप्सी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी बॉटलिंग है, वो सारा काम कंपनी वरुण बेवरेजेस करती है। जो और इसके अंडर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है हमारा, पेप्सी को, पेप्सी के जितने प्रोडक्ट हैं, पेप्सी डाइट, पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा, अदर इनके कैटोरेट, स्लाइस, फिजी ड्रिंक्स, ये सारे प्रोडक्ट्स वरुण बेवरेजेस के अंडर आते हैं और यही इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंटायर इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे हम देख सकते हैं वरुण बेवरेजेस का जो शेयर है पेप्सिको में 26% था फिस्कल ईयर में 2011 में, जो कि अब 85% इन्होंने बढ़ा दिया है, यानी कि इनका वरुण बेवरेजेस का की ग्रोथ पिछले 5 साल 6 साल में हम देख सकते हैं कितनी तेज हुई। तो यही
कारण है कि वरुण बेवरेजेस जो है वो एक बहुत बढ़िया मोनोपोली स्टॉक है। इसमें कोई और कंपनी नहीं है जो पेप्सिको के लिए इंडिया में बॉटलिंग करे या उस बेवरेजेस को सेल करने का काम करे। यूएस के बाहर इंडिया में पेप्सी का कोई भी प्रोडक्ट वरुण बेवरेजेस के थ्रू ही सेल हो सकता है। तो ये एक मोनोपोली कंपनी है, मोनोपोली स्टॉक है। चलिए इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। इसके लिए चलते हैं हम स्क्रीनर पे और देखते हैं कि कंपनी कैसी है, फंडामेंटली इसके कंपनी के क्या वैल्यूज दिखाए जा रहे हैं। कंपनी की मार्केट कैप 41,000 करोड़ है, जो कि एक मिड कैप स्टॉक है। इसका करंट प्राइस 949 रुपीज है। ऑल टाइम हाई 1020 है, जो कि ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। इस कंपनी का पीई 81.4 है, थोड़ा हाई पीई है, बट पीई यूजली बेवरेजेस ऐसे एफएमसीजी कंपनीज का पी हमेशा हाई होता है, क्योंकि इनका वैल्यूएशन हमेशा हाई होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.7 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, यानी कि स्टॉक कभी भी स्प्लिट हो सकता है या बोनस दे सकता है। इनफैक्ट इसने 2021 में जून में आई गेस एक बोनस डिक्लेयर किया था 1:2 का, एक शेयर के बदले 2 शेयर। देखते हैं कंपनी के थोड़े प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं। कंपनी ने बहुत अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दिए, हमने देखा है। डिविडेंड पे आउट इसका बहुत अच्छा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगभग 20% रहा है पिछले 10 साल में, तो कंपनी की परफॉर्मेंस वाइज कंपनी बहुत अच्छी है। कुछ इसके नेगेटिव्स हैं, अपनी बुक वैल्यू से ऊपर है, प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बिकॉज प्रमोटर्स होल्डिंग अभी भी 60% के ऊपर चल रही है। कंपनी की सेल्स 10 साल में 19% से बढ़ी है, प्रॉफिट इसका 50% से बढ़ा है, CAGR 5 साल में इसका CAGR 42% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत ही बढ़िया है, 11% है। अगर हम EPS की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जिसे कहते हैं EPS, इसका कंटिन्यूसली बढ़ता रहा है। देख सकते हैं 5, 8, 10, ये कुछ गिरा था ये कोविड का टाइम है, फिर ये अगेन वापस 11 पे आ गया। तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही इसका पूरा मार्केट पे मोनोपोली है पेप्सिको के प्रोडक्ट्स को सेल करने की, पेप्सिको के प्रोडक्ट्स को रिटेल करने की, डिस्ट्रीब्यूशन की इसकी मोनोपोली है, और ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड हो रहा है। मैं इस कंपनी को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हूँ आने वाले 5 साल में, जैसा कि कंजम्पशन थीम पे चल रहा है कि कंजम्पशन बढ़ेगा इंडिया का आने वाले 5, 10, 20 साल तक, तो ये कंपनी ऑब्वियसली ग्रो करेगी। और ये कंपनी का लाइसेंस पेप्सिको के साथ 2039 तक है, तो 2039 तक कोई और कंपनी पेप्सिको के प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती। तो आने वाले सालों में पेप्सिको जैसे जैसे ग्रो करेगी, वैसे वैसे पेप्सिको से की सब्सिडरीज जिसे हम जैसे कि वरुण बेवरेजेस है, वो भी ग्रो करेंगे, खासतौर से इंडिया एंड इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो इस स्टॉक पे नजर बना के रखी जा सकती है, और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक रहेगा। आई होप इस स्टॉक के बारे में थोड़ी और रिसर्च आप लोग करेंगे और समझेंगे। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे बताइए, आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल योर कमेंट्स, ऑल योर क्वेरीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, क्योंकि आप जितना इसको लाइक करेंगे यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये और लोगों तक पहुंचेगी और ये नॉलेज शेयरिंग और लोगों तक जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।